नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स मैनिया। तो गाइज, इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं 19 अगस्त को होने वाली मंडे नाइट रो को लेकर कि हमें यहां पर क्या कुछ देखने को मिलेगा। एक्शन से भरपूर मंडे नाइट रो का ये एपिसोड और ये वीडियो दोनों ही काफ़ी मज़ेदार होने वाले हैं, तो इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो मैं इस मंडे नाइट रो के इस एपिसोड को एक्शन से भरपूर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मुश्किल से एक आध सेगमेंट देखने को मिलेगा और तकरीबन 7 मैच देखने को मिलेंगे जिनका ऐलान हो चुका है। जी हाँ, WWE का किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट फिर एक बार मंडे नाइट रो के इस एपिसोड से शुरू होगा और ये टूर्नामेंट WWE में कई सालों से चला आ रहा था, लेकिन 5 साल पहले इसे WWE ने बंद कर दिया था और अब एक बार फिर कराने जा रही है। इस टूर्नामेंट में कुल 15 मैच जिनमें से 7 रो और 7 स्मैकडाउन में होंगे और फाइनल का एक मैच क्लैश ऑफ क्लैंस PPV में होगा। इस रो में टूर्नामेंट के शुरुआती 4 मैच होंगे और 2 क्वार्टर फाइनल मैच होंगे। यहां पर समोआ जो वर्सेज सीजरो, रिकोशे वर्सेज ड्रू मैकेंटायर, सेंड्रिक अलेक्जेंडर वर्सेज सेमी जेन और द मिज वर्सेज बैरन कॉर्बिन का मैच होगा। पहले के 2 मैचों के विनर के बीच क्वार्टर फाइनल मैच होगा और वहीं बाद के 2 मैचों के विनर के बीच भी क्वार्टर फाइनल में मैच होगा। और आपको बता दूं कि क्वार्टर फाइनल के यह मैच भी मंडे नाइट रो के इसी एपिसोड में होंगे और इन सब के अलावा एक चैंपियनशिप मैच भी मंडे नाइट रो के इस एपिसोड में होगा। जी हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए एज स्टाइल्स वर्सेज ब्रॉन स्ट्रोमन के बीच मुकाबला होगा। ये काफी तगड़ा मुकाबला होगा और काफी टाइम बाद ब्रॉन स्ट्रोमन को किसी चैंपियनशिप के लिए मैच दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर द ओशी की मदद से एज स्टाइल्स अपनी चैंपियनशिप रिटेन करने वाले हैं। तो गाइज, आपकी क्या है ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को। धन्यवाद।